हेलो वेलकम गुड आफ्टरनून भारत मैट्रिमोनी डॉट कॉम हम और तुम के एक और एपिसोड में मैं सुचित्रा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाई आप मानो या ना मानो मैं तो मानती हूँ मैरिज इज आर मेड इन हेवन। अदरवाइज हाउ एल्स डू यू एक्सप्लेन दुनिया के अलग अलग कोने में रहते हुए दो लोग इत्तेफाक से मिलते रहते हैं, प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आज के मेहमान के साथ। चलिए सुनते ही उनकी लव स्टोरी, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। प्लीज लेट्स वेलकम बाबुल सुप्रियो एंड हिज लवली वाइफ रिया। हाय बाबुल। सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो। आया नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज सिट। हम आपके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, यही जानते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है आपका, आप कई शोज़ में मिले, यू आर कनेडियन एंड सो टेल अस, टेल अस। सी देयर आर टू वर्जंस ऑफ इट, वन इज अ ट्रू वर्जन एंड द अदर वन इज द फिक्शनलाइज्ड। या उसमें जो थोड़ा सा लेट्स गो अहेड, लेट्स हियर योर वर्जन ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल ये कि मैं 94 में एक बच्चन साहब का एक शो में मुझे वर्ल्ड टूर में मौका मिला था कल्याण जी आनंद जी के साथ। दैट वाज माय फर्स्ट एवर टूर टू अमेरिका। कनाडा में मेरे एक मामा रहते हैं तो सबको पता चला कि मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड का नौकरी छोड़ के अचानक इसमें आ गया गाने में। सो वेंट फॉर दैट शो एंड पीपल सॉ मी देयर। माय अंकल सडनली फाउंड आउट दैट यू नो इज भांजा इज इनटू दिस एंड ऑल दैट। दे वर क्लोज टू माय अंकल्स फैमिली। इनको पता लिया कि अगले बार जब ऐसे कोई स्टार के साथ आपका भांजा आए हाँ। तो हमें उनसे मुलाकात करवा दीजिएगा ताकि हम स्टार्स के ऑटोग्राफ ले सके। तो 94 आई वेंट बैक। आपके चेहरे से तो लगता है कि वो थोड़ा डिफरेंट, ये पार्ट ठीक है। अब 9.5 साल हो गया तो उतना थोड़ा बहुत हजम कर चुकी है। तो 94 में मैं शाहरुख खान के साथ फिर गया तो शी केम बैक टू मीट मी टू रिसीव मी एट द एयरपोर्ट। इनफैक्ट बफेलो एयरपोर्ट में बाय द नायग्रा फॉल्स विद माय मामा बिकॉज़ शी वाज डेस्परेट कि अब मुझे लेना ही है शाहरुख खान एंड सनी देओल एंड ऑल दिस। So that's how we met. So I did take her to the show with special tickets, took them to backstage, she herself, her sisters and all that to take the pictures. And then after that, I stayed back in Toronto for 3 days. So she offered me. Why did you stay back? Because my mama was there. Achha. I didn't know. So I stayed and she offered me, my mama was obviously walking, so she offered that if she can take me around in Toronto. अभी भी मैं refuse किसी को नहीं करता हूँ कोई offer करे तो। Especially एक खूबसूरत लड़की offer करे तो। Simple सी तो उस वक्त मैं क्यों करूँ? तो I said yes, but then she took me for a drive, took me for a ride, and then since then she has taken me for a ride. Do you think of yourself as Canadian? Do you think of yourself as Indian? How does it work? I mean, well, when I was there, I was more Indian. Yeah. Than Canadian, and here I'm more Canadian than I'm Indian. Yeah. So it's a bit of a mix. Yeah. तो आपको जब आप पहली बार मिले थे तो दिल के लड्डू फूटने लगे कि how आपके तो फूटने लगे थे लगता है। नहीं काफी उसमें भी उसमें कहानी में twist है but खैर आप इनको कहने दीजिए भी। हाँ yeah मतलब stage पे जब भी देखा था so the voice was all that was required. Forget the looks as you can see. दाढ़ी वाड़ी बना के बहुत बहुत हैंडसम है। सो द वॉइस इज व्हाट डिड इट फॉर मी या एंड देन सो द म्यूजिक नॉट द मैन यू थिंक देन आई गॉट टू नो द मैन ओके सो दैट वाज सो नाउ व्हाट्स कॉज हिज म्यूजिक और हिम हिम नाउ हिम या उन दिनों में आपको पता था आपने इरादा एक्सप्रेस कर दिया था कि यू वांट या वेरी सून अ लाइफ कंपेनियन इन अबाउट 6 मंथ्स वी हैड अ लॉन्ग डिस्टेंस कोर्टशिप Huh. She spent thousands on telephone bills, calling me up, talking to me for the entire nights. अरे वाह! From क्या? पर वहाँ से तो काफी cheap होता है. You get all these calling cards and everything. वो तो अब आया है. 9 साल पहले नहीं थे. तो bills कौन pay कर? Obviously, because I was a struggler. मैं तो उस वक्त सवाल ही नहीं पैदा होता. I found a job. मतलब मैं काम करने लगी थी because the bills were so high. Yeah. Couldn't have asked my father to pay for it. Did he go down on his knees and propose to you? No. No, then. There was no such proposal. It was just kind of known. Both of us kind of knew and it was over the phone. Yeah. And then he came 6 months later and we were engaged. So aapki engagement Canada mein hui? Canada mein hui. I went for a show again. Okay. Yeah. Udit Narayan and another Padwal and we went for a show and there I told them ki I want to get engaged on. Or dekhi knees, I didn't want to get down in my knees because then I needed something costly in my hand which I couldn't have afford for at that point of time.
तो मैं फ़ोन पे ही बोल दिया तो खर्चा भी बच गया और जो काम भी हो गया। तो आप इन इनिशियल डेज में यू आर पार्ट ऑफ हिज लाइफ? Yeah, by that time he had set everything up. He really arranged things nicely because I'm coming from Canada. Yeah. Ghar, matlab flat. I got wallpapers, right? You know, flowery wallpapers all over the wall and जैसे all that. जैसे वहाँ पे डालते हैं। Yeah. खराब हो गया एक साल में, लेकिन लगाया था मैंने। Yeah, he did it nice. तो आपको कैसा लगा? How was the? Because it's quite difficult बाहर रह के यहाँ आना, you know, to. Initially it was awful. Yeah. In the sense, awful because. It's a change, culture shock तो है। आप bottle पानी पीते थे? अभी आदत हो गई पानी। No, उस time she wanted to even take a bath in bottle water, which I couldn't afford. Yeah, I know people who, So bottle पानी में नहाना चाहते थे। दस रुपया bottle आप, बहुत मुश्किल बात है, तो मैं नहीं कर सका वो। हाँ। But बाकी चीजें, I would say yes, she did. Fungus on the walls. Yeah. No, it was a hard adjustment, but it was all worth it. Yeah. So, how supportive was he of? You at that time. I was fantastic, very supportive. No, no, main. Oh, sorry. इनसे सुनना चाहती हूँ. He was fantastic. नहीं, मैं actually already मैंने सिखा दिया क्या कहना है, तो I thought if she has forgotten. बोलो अब बोलो, tell me. No. Did you stop? Say na. No, he's been a great support. Yeah. I wouldn't have been able to. तो अभी आपके यहाँ दोस्त हो गए, आपका life set हो गया. But initially with him struggling, he must have had to spend long hours outside and. Yeah. तो आपने कैसा मैनेज किया उन दिनों? He bought me a dog. Oh. I bought her a fantastic Alsatian. Alsatian. A big one. हाँ. And believe me, उसके बाद every night, I mean, people say that how was it after marriage? पूछते how did your life change? I said it definitely changed because 3 months after marriage, because I read somewhere that dog is a great companion. Yeah. So I felt that I was not being the great companion because I was always out. Yeah. So उस वक्त टाइम पे शोज बहुत करता था मैं, obviously. Yeah. That was my only way of earning. Recordings तो कुछ होती नहीं थी. तो after I bought the dog, उसके बाद मैं देखा कि every night while going to sleep, she was reading a book which said how to train your dog. So in the mean, both the dogs got trained. The dog and myself. So बबल आपके तो बहुत सारे फैंस हैं, बताइए। माय फेवरेट सिंगर इज माय वाइफ। या राइट। नो, आपकी एक इंस्पिरेशन। आई हैव, देखिए अगर सच कहूँ तो मैंने किशोर कुमार साहब को बचपन से आइडलाइज किया। आई फेल्ट दैट प्लेबैक सिंगिंग इज ऑल अबाउट साउंडिंग लाइक अ हीरो एंड किशोर कुमार्स वॉइस वाज एपिटोम ऑफ हीरोइज्म। मैंने उनको अच्छे प्रोग्राम्स में मैं ऐसे कहता हूँ कि मैंने, जैसे आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि मैं आइडलाइज किया, लेकिन सच्चाई है कि मैंने उनको कॉन्शियसली नकल किया। आप दोनों का झगड़ा वगड़ा नहीं होता कभी? ऐसा कभी हो सकता है? मतलब कभी ऐसा हो सकता है? आप झूठ तो बोल सकते हैं, कभी नहीं होता। मैं बहुत प्यार क्या फायदा क्या है, क्योंकि अब मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरे आसपास वाले जो है आपको खत लिखेंगे, you know, and we look like we are a very liar very made for each other couple. जब से हमने शादी की, लोग यही कहते हैं कि made for each other couple है, लेकिन उसमें spelling में थोड़ी सी फर्क आ गई है। उस वक्त it was MAD made for each other, now we it's MAID made for each other, we have a made for each other. So how do you keep the spark alive? क्योंकि हमारे शो में हम explore कर रहे हैं कि after years of marriage, I mean, शादी हो जाता है वो जोश में हो जाता है, you know, romance fills you up and it's like magic. How do you keep the magic alive, you think? Well, I become a magician. जादू की छड़ी के साथ क्या कर? जादू की छड़ी, हाँ वो अब देखिए, I think that see before marriage, people say that what changed after marriage. I think the biggest change is that your boyfriend becomes your husband and your girlfriend becomes your wife. That's the biggest change that you can have in life. So what is your definition of a husband and a wife? I think husband and wife are people who share all the goods and bads amongst themselves, and it's about not only about embracing each other. एक दूसरे को अच्छाई की वजह से प्यार करने वाली जो बात है वो नहीं है. It is about how you can make those good points overpower or overshadow the bad elements that you obviously see. जब मैं उस शादी के पहले इसको, when I used to talk to her, I used to make sure I'm in the good mind, good frame of mind, डांट ना दूँ. मैं जब उनको मिलता था
मैं सबसे अच्छे मुझे 20-25 मिनट तो सिर्फ कपड़ा चुनने में लग जाता था ताकि आई लुक हैंडसम आई यूज द राइट परफ्यूम ही ट्राइड एवरी डे आई यूज द इंडियन परफ्यूम व्हेन आई यूज टू मीट हर आई हैड अ कूल वाटर डेविर ऑफ कूल वाटर व्हिच आई यूज टू मेक श्योर सो दोज आर थिंग्स व्हिच आई यूज टू रीड बुक्स टू फाइंड आउट द राइट कोट्स एंड ऑल दैट सो आई थिंक द सेम वाज ट्रू फॉर ये तो आप तो आपने भी इतना एफर्ट लगाया हाँ डेफिनेटली द काइंड ऑफ कार्ड शी सेंड मी ड्यूरिंग दोज पीरियड तो इफ यू रीड देम इफ आई रीड देम आई हैव एवरीथिंग ऑफ दैट ऑल दोज लेटर्स एंड एवरीथिंग आई हैव अ पेंशेंट ऑफ कीपिंग ऑल दोज थिंग्स तो मेरे पास सब सारी चीज़ें अब जब वो कार्ड मुझे नहीं देती है तो मैं वैसे ही पुराना एक कार्ड निकाल के पढ़ लेता हूँ तो आपको भी गुस्सा नहीं आता हाँ आता है बहुत आता है बहुत ज़्यादा आता है सो व्हाट डू यू डू देन She shouts at me. Simple, yeah. चप्पल फेंकते हैं आप? नहीं चप्पल नहीं वो मैंने हम बेडरूम के हमने चप्पल रखने का जो जगह है वो डाउनस्टेयर्स फोर्थ फ्लोर में किया है फिफ्थ फ्लोर में हम रहते हैं तो हैंडी नहीं होता है बाकी चीजें जो नहीं टूटती है बट आई फील दैट शी इज वेरी सेंसिबल व्हेन शी इज एंग्री बिकॉज़ देन शी डज द राइट थिंग शी थ्रोस थिंग्स व्हिच डजंट ब्रेक ओ गुड प्रैक्टिकल यानी कि आप दोनों बहुत प्रैक्टिकल हैं हां तो मतलब नॉर्मल टाइम पे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें टूट रही है घर पे बट गुस्से के टाइम पे जो भी चीज फेंकती है एक भी टूटता नहीं है शी नोज कि अपने खिलौने में से भी कौन कौन सा चीज टूटने से फेंकने से टूट सकती है तो और बाकी जैसे वो पीजेस कह रहे हैं आई थिंक यू नो दैट इज द आई थिंक द बेस्ट थिंग कि आप घर पे एक दो पीजेस करके आप देख सकते हैं वेदर दे कैन दे आर गुड और नॉट एंड गुड टू से इट इन पब्लिक And I save my seriousness for the right moments. I don't want to show off to my wife or my daughter that you know I'm really into a very high stress job and I'm you know मुझे disturb मत कीजिए। तो आप काम करने के बाद जब घर लौटते हैं किस उम्मीद से लौटते हैं? मैं इस उम्मीद से लौटता हूँ कि उस दिन घर पे पावर नहीं रहेगा पावर नहीं रहने से सोप ओपेराज नहीं चलेंगे या 10 बजे 11 बजे कोई इन द अम्प्टन इंग्लिश चैनल्स इज नॉट गोइंग टू बी वन नाइस इंग्लिश मूवी बिकॉज आई डोंट वांट टू कम एंड सी एंजेलिना जोली इन यू नो आई वुड रादर सी माय वाइफ वेटिंग फॉर मी विद द with warm foods and my daughter she paints for me every day ek painting mujhe aake deti hai staple karke anytime when I walk home and all aapka, that aapki daughter ka naam hai Sharmili and how old is she now she's 4.5 after her arrival aapki life mein kya badlav aaye sab kuch badal gaya because I don't have time anymore as much time anymore yeah but you still managed to make time for Babul or is that very little We try, but it's hard because he's busy as well, and I just have other things to do with her as well. तो कभी-कभी आपको लगता है कि Babul, give me a break, yeah, just let me do my thing and yeah. And how does he deal with that then? He's pretty okay with it. क्या बोलते हैं? I like reading. किताब पढ़ने का बहुत शौक है. So if I say, can I just take a half an hour just to read, he'll say, okay, go ahead. Do what you need to do. And after half an hour, he comes knocking on the door. Pretty much, the phone rings. Are you done okay, yet? Okay, time's up. Niklo. आइए देखते हैं कुछ यादगार तस्वीरें, कुछ यादगार लम्हे from the life of Babul and Riya. You know, obviously, you know, worked out your equation and everything. But हम इस शो में एक छोटा सा quiz खेलते हैं. जहाँ हम देखते हैं कि आप एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी बातें याद रखते हैं नहीं आप टूअर्ड ईच अदर सेंसिटिविटी इतने सालों के बाद अलाइव है कि नहीं डरिएगा मत इट्स वेरी सिंपल देयर आर नो विनर्स एंड नो लूजर्स नो आई विल ऑलवेज एंड अप एज अ लूजर क्विज खेलने से पहले वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन आवर सेट टुडे जो आके आपको सपोर्ट करने वाली है मम्मी डैडी को प्लीज वेलकम ब्रियाना तो आप अपने मम्मी डैडी को हेल्प करने वाले हैं क्विज में हाँ किसको हेल्प करेंगे ज्यादा मम्मी को या डैडी को यू इन हूज टीम ओह माय गॉड ही सेड हिज डैडी नाउ आपके साथ शुरू करते हैं माय गॉड क्वेश्चन नंबर वन रिया ने कनाडा में पहली हिंदी फिल्म कौन से देखी थी और उसका फेवरेट हीरो कौन था She knows ना इट्स इम्पोर्टेंट नहीं कोई भी सवाल का जवाब कपल में से किसी एक को पता होना चाहिए नहीं नहीं ये आपका टेस्ट है तो यू हैव टू आंसर
पहली हिंदी मूवी जो उसने देखी थी कनाडा में, पहली हिंदी मूवी शोले देखा होगा क्या? शोले नहीं, वेरी गुड। अच्छा फेवरेट हीरो कौन था? बाबुल सुप्रियो। मतलब आप पहली बात करें ना, उस वक्त पे आई वाज रियली अ हीरो फॉर हर। आई टोल्ड यू ना, आई सेव्ड हर फ्रॉम, रेस्क्यूड हर फ्रॉम कनाडा एंड ब्रॉट हर टू इंडिया। फेल फेल अच्छा ठीक है, बाबुल फेल। अगला आप जवाब तो दीजिए इसका। आगले लग जा, रिमेंबर? आगले लग जा, सो दैट्स व्हाट आई डिड। मैं देखिए, आ गले लग जा, मैं इंडिया से गया, गले लग गया, वापस भी लेके आया। अब मैं आप तो ट्रू हीरो। तो फिर नेम ऑफ द हीरो वाज आल्सो करेक्ट, बाबुल सुप्रियो। फैंटास्टिक, टू पॉइंट्स। रिया इस वक्त कौन सा नॉवल पढ़ रही है? इस वक्त कौन सी कौन सा नॉवल पढ़ रही है? आर यू रीडिंग? आई हैव नो आईडिया, बिकॉज़ आपको पढ़ना लिखना आता है? एक सेकंड, आई थिंक ब्रिजेस, द ब्रिजेस ऑन मैडिसन काउंटी। प्लीज ठीक बोलो ना, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कौन है? Nobody will know the truth. Who will know the truth? Who will come into our bedroom? It's one of the three that I'm reading. Take it. Right. Okay, not bad. Very good. Babu, you're doing really well. Fantastic. Chalo. See you. I come in the room. Yeah. Oh, I said, who comes to the bedroom? Who comes to the bedroom? She said, I come to the bedroom. Subah utkar, Riya, sabse pehle kya peena pasand karti hai? Subah utke? By the time she gets up and has her first drink, I'm still sleeping. I really wouldn't know, but kal main zarur dekhunga. One glass of water, warm water. Juice. It's the same thing. Juice is 80% water. अब scientific components देख लीजिएगा, बोलिए next. Okay. Riya ने आपके बारे में सबसे पहले किसे बताया था? अपने आप को. Yeah, she told me that you know when you went back, I kind of told myself that I think this is the right guy for me. That's the true version. अभी बाकी मम्मी होगी और क्या? भाई होगा. My best friend. Who? Rue. You don't know her best friend's name. Babul fail. I said Rue. Crossed out fail. I said Rue. Riya ko aapka gaya hua kaun sa gana sabse zyada pasand hai? Sab gana to bolti hai bahut acha hai apni. Ek gana choose karna to mushkil hai. I think Hum Tum. Hum Tum? Title song. Yeah, show ka naam bhi wohi hai. That should be the right. No, I'm late. Yeah, I'd say so. आपके सभी जवाब गलत थे बाबू, आपने ऐसा कैसे किया? But मेरा How did you do that? That is, I think then I passed as an husband. Yeah, true. You're a okay. अभी आपके okay. बाबुल की पहली क्रश कौन थी? I don't know. Was it the first one that your teacher, some teacher? Why are you asking me? Obviously, देखिए मेरा पहला I think it's the wrong question because पहला crush मैं इनको थोड़ी बताने वाला हूँ। क्यों? Why not? अच्छा हमें बता दीजिए। Then she'll be crushed. अच्छा। That was one miss. I cannot take her name. Teacher. When I was in class 5. हाँ तो teacher. Correct. इस वक्त बाबुल की dream car कौन सी है? Honda. Honda Accord. Is it the Accord? It is. Oh good. Okay. बाबुल ने सबसे पहले कौन सी dish आपके लिए cook की थी? That must have been like an omelette. Beja or something. Fry? Yeah, beja fry. Because I didn't know how to cook. So. Okay. Kolkata mein Babul ki favorite restaurant kaun si hai? There's a restaurant. There's too many. Which one should I say? He used to eat mutton. It's very hard to agree on that, you know. Yeah, I know. 9 years of marriage, you cannot really agree on everything. Royal karke ek dukaan hai jahan pe mutton chaap milta hai. Okay. So that's a regular for us. वहीं पे ही हमेशा जाते हैं। Okay. जाते नहीं हैं वहाँ से लेके आते। लेके आते। बाबुल की favorite one-liner क्या है? There's too many. How can you be so stupid? That's the line. That's the line. That's the line. That's the line. पीछे के ऊपर पीछे। It's been so lovely talking to you. हमारी तरफ से एक छोटी सी, छोटा सा present होता है। Thank you so much. मेरी grammar खोल के तो देखो एक बार क्या। And that's for you. No. अब मुझे जहाँ जब भी प्रेजेंट मिलता है मैं उसी जगह पे खोल के देख लेता हूँ। Why not? अगर आप खोलना चाहे तो go ahead. जो भी दे रहे हैं मैं उनको कह सकूँ ना, it's good or bad. Yeah. Please. अभी now इसी वक्त. मेरा वाला बाद में. Open yours. बाबुल रिया, thank you so much for coming on our show. बहुत मजा आया आपके साथ बात करते हुए. May he always make you laugh and make everybody laugh and fill everyone's heart with the joy of your music. Thank you so much.